अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पहुँच गए, मैं इनको कह रहा था ना। आगे जनाब एक के घर में चलो सर। हाँ आ जाइए, हमारे मिनेस खड़े हो आप लोग साइड खड़े होते हैं तो खड़े हो। पीछे कोई आप साइड पर देखिए, जो इजाज़त होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। सर सर कंफर्म नहीं, हमारे मिनेस हैं उनको तो मैं बता रहा हूं, उनके लिए तो मैं सीटें बता। जमाल साहब के लिए बुलाओ ना। जमाल साहब को एक सीट और सीट जमाल साहब के लिए सीट ला दो। इसके लिए हमारा ये है ना चलो। अगर बाकी खड़े हो हम बुलाट गया उधर का खैर बुलाट उधर का राजा बस बस रूप से हम तले जी अभी पारा सता प्रोग्राम जी बिस्मिल्लाह प्रोग्राम तले देखना आपको रेडी है। रेडी है तो फिर आप बताएं। रेडी हैं? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेट वक्त में आपको वन पॉइंट एजेंडा के लिए हमने बुलाया है। आज हुकूमत की तरफ से एक ऐलान हुआ है। फ़िलहाल हम उस ऐलान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक तर्जुमान की हैसियत से देखते हैं, लेकिन हम इसके हर बात को सीरियस लेते हैं। आवाम के साथ, जमहूर के साथ, आइन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है, इसलिए जो भी अल्फाज कहे गए हैं हमने उनको बड़ा सीरियसली लिया है। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या आर्टिकल 6 की तरफ रुजू किया जाएगा, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। पहले सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने पीटीआई को रिवाइव किया है, पीटीआई को जान दी है, पीटीआई को वो राइट दिया जो हमारा हक था। पहले दिन से हम उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे रिज़र्व सीटों को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, ये जान के कि इनके पास कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये पीटीआई का एक राइट था जो पीटीआई को मिला है। आज के ऐलान से ये वाज़े है कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत उस साजिश में बराबर की शरीक थी जिसने बल्ला लिया था। बल्ला ना होने के कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकाले गए थे जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पीडीएम की हुकूमत जो फार्म 47 पे फार्म 45 के जीते हुए कैंडिडेट से अपनी तवज्जो हटाने के लिए, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, वो दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए अपने इस वक्त लोएस्ट फॉरेन रिज़र्व, हाईएस्ट इन्फ्लेशन से हाईएस्ट जो रेट जा रहे हैं इस वक्त महंगाई, उससे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही हैं और ऐसे बयान दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोटों में से जो 6 करोड़ वोट डाले गए थे उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐलान किया है कि वो सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के थे। ये बात कहा गया आज ऐलान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की फॉरेन फंडिंग की इसकी वजह से पाबंदी लगाएंगे, साइफर केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद PMLN के तर्जुमान को ये नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है PMLN का। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें सारे पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केसेस को देखने थे। हमारा केस फैसला हुआ, बाकी केसेस पेंड रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो आया था वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने उस केस को ख़त्म करके मैटर रिमांड किया हुआ था इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का केस पेंडिंग है। और आपको सिर्फ ये बात याद दहानी करा दे कि इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 अकाउंट के, वो सबूत आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं दिए। वो पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ केस पेंडिंग है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। साइपर का केस इन्होंने अंजाम देखा है, उसमें जान नहीं थी। मुतालबा हम करते हैं कि उन लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आइन के होते हुए गैर आइनी काम किए, जो आइन के होते हुए गैर आइनी काम में मुलवस रहे, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मजम्मत करती है। हर जगह इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी, अपने वोटर, अपने वर्करों का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेगी। उमर साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम टाइम पे इधर आप अचानक आए। सबसे पहले जिस तरह मेरे चेयरमैन और फाजिल कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करूँगा, आगे चलूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी और है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। और आपके 11 जजेस ने इस चीज़ की डिक्लेरेशन की है। दूसरी अहम बात यह है कि तारर ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी जहनी या दिल की ख्वाहिशात। और अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी और जो खिचड़ी जो सामने आई है तो वो ना होने के बराबर चीज़ है। सबसे अहम चीज़ ये है ख़वातीन और हज़रात कि आपके जहन में होना चाहिए जो ये फॉर्म 47 की हकूमत है, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज़ पे। और हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से। अवामी नेशनल पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि वो इसकी हमायत नहीं करते हैं। ये बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्दअमल का साथ देते हैं या नहीं देते, क्या वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं या वो सिविल मार्शल लॉ के साथ या मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं। ये साफ साफ उनको बताना पड़ेगा। मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती, साफ उनको आना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया। ये बाकी पार्टियां मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर भी नहीं आती। चौथी चीज़ इस वक्त अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात, बजट स्पीच में जो आपको मैंने आदाद और शुमार पेश किए 3 घंटे में, उनकी अपनी बजट एंड ब्रीफ और इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के बताया, एक चीज़ को भी न फाइनेंस मिनिस्टर ने, न फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने या उनके किसी और वज़ीर में तो इतना वो है नहीं कि वो उसको काउंटर कर सके, कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई। इस वक्त ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आप जात के देख लें जो हमने पहले भी प्रोजेक्शंस की थी, इस वक्त पाकिस्तान में अफराद ज़र इस हकूमत की वजह से ज़्यादा होने लगी है। महंगाई अरूज पे भी जाएगी, बिजली के रेट इन्होंने ज़्यादा कर दिए। और आपकी यादयानी के लिए 17 रुपये यूनिट बिजली था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के दौर पे, आज 85 रुपये यूनिट से तजावज़ हो गया है, 100 रुपये यूनिट पे जाएगा। डॉलर मसनूई तौर पे 275 रुपये पे है, 350 रुपये फी डॉलर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। मुर्गियों का रेट देख लें, इस वक्त 500 रुपये किलो से भी तजावज़ कर गया है। आटा, चीनी, दाल, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल और पेट्रोल 80 रुपये लीटर, उस पर PDL उन्होंने लगा दी है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस चीज़ को छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारर ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने एक खिचड़ी पकाई है। आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि ये वही मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पे दावा किया, और आज भी ये चाहते हैं और उस वक्त भी कि जुडिशरी को सब्जुगेट करें, अपने नीचे लाएं, अपने अंगूठे तले रखें कि जो ये कहें वो हो। मुझे आप बताएं, आज आप चले जाएं पिंडी पंजाब की तरफ, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, उसके फैसले के ख़िलाफ़ वहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया। कोई उड़न तश्तरियाँ आई, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आए उनके घर वालों को जदकोब करने के लिए। पंजाब पुलिस ने जाके वहाँ पे पुलिस गर्दी उनके घरों में की। ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती तो हमारे घरों को तो उन्होंने मस्मार करके रख देना था। हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि एक सिविल डिक्टेटरशिप या एक सिविल मार्शल लॉ लगे। ये आपको ये मैं कहता चलूँ कि इस फॉर्म 47 हकूमत और इसी मुस्लिम लीग नून, ये वो पार्टी है PDM 1 की, कुछ ही महीने पहले जिस वक्त शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म था, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक ले लिया था, वापस कर दिया था, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ को दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM मशीन को ख़त्म किया कि वो फॉर्म 47 को फ़रोग दें और अपने लिए रास्ता चोर दरवाजे से लाएँ, क्योंकि उनको पता था कि इनकी आवाम के हाथों पिटाई होगी। ये वही हकूमत है जिसने ISI को वो हक दे दिया है कि यहाँ पे जितने मीडिया के लोग हैं और पाकिस्तान का जो भी शख्स है वो कोट एंड कोट नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती एक बहुत बड़ा कैचवर्ड है, और एप्रीहेंशन के शक हो उसके ज़रिए वो लोगों के फ़ोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी चीज़ें टैप करके उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाएं। ये वही हुकूमत है जिसने अपने बजट में लिखा है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड करेंगे। अभी ये गौर से सुने, बजट बुक के अंदर प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने SIFC के ज़रिए एक बहुत बड़ा पखंड इन्होंने शुरू किया कि जी हम लोग SIFC लाएंगे और वो आगे लेके जाएगी कौम को। SIFC के ज़रिए 8,500 अरब रुपए का खसारा है मुल्क का, जो बजट में जो उन्होंने पूरा करना है। प्राइवेटाइजेशन से कितना पूरा होगा? 30 अरब। और इसमें अलमिया ये है कि जो कंपनियां और जो इदारे ये प्राइवेटाइज या निचकारी में लेके जाएंगे उनकी मालियत 1,000 अरब है। ख़वातीन और हज़रात, आपका 970 अरब किधर जाएगा? फिर 1,000 अरब की मालियत के इदारे, उसमें से 30 अरब आप वसूल कर रहे हैं, 970 अरब किधर जाएगा? ये वही हुकूमत है जिसके इंटीरियर मिनिस्टर ने और ये इन लोगों ने पंजाब में मिल के 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, दरामद की, और उसके बाद किसान से, पंजाब के किसानों से इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, बरदाना नहीं दिया। आड़तियों ने आके अपना वहाँ पे सस्ते दामों गंदम खरीदी और अभी ये वो गंदम एक्सपोर्ट करने के चक्रों में है। हमें क्लियर कट, ये आप तारीख में देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 की दिहाई में, उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी होती थी जो अभी ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, उसको बैन किया। गलत इकदाम, कल भी गलत था, आज भी गलत है। और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये पार्टियां जमहूरियत के साथ खड़ी हों। ये एक डिक्टेटर जहन की अक्कासी करती हैं। इसके साथ साथ आखिर में दो चार अल्फाज बात करके मैं फिर शिबली फराज़ साहब को गुजारिश करूंगा कि वो बात करें। आप जहन में रखें कि इस वक्त या कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इनके असासे बाहर, इनके जो एवन फील्ड अपार्टमेंट थे वो बेरर बॉन्ड्स के ज़रिए लिए गए। और इसके साथ साथ आखिर में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ केसेस थे, वो सब के सब घटिया केसेस डिमोलिश हो चुके हैं। सबसे घटिया केस आपका इद्दत केस डिमोलिश हो गया। आज़म खान स्वाति साहब और मैं, हम लोग 3.5 घंटे अड्याला जेल के सामने खड़े रहे। वहाँ पे नैब का एक डायरेक्टर ने आके एक दूसरे झूठे केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी। इंशाअल्लाह ताला एक के बाद दूसरे ये घटिया केसेस ये भी ख़त्म हो जाएंगे और दोनों बुशरा बीबी और वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद होके बाहर आएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे PTI के वर्कर्स, आप पुरजोश रहें, पुरमन रहें। जीत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की होगी। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज़ साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। मेरे कॉलीग्स बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान ने अक्सर बातें कह दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इस कठपुतली हुकूमत, ये फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो कि इस मुल्क का फ़ख्र हैं, ये वो जमात है जो कि नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। ये वो जमात है जो कि सेनेट में सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात है। ये वो सियासी जमात है जो कि पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात है। ये वो जमात है जिसके सारे फेडरेटिंग यूनिट्स में नुमाइंदगी है। और ये वो सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के अवाम के ख्वाबों की तर्जुमानी करती है। 77 साल गुजर गए और इस मुल्क में जो हमने देखा, जिसमें कि एक आधा हिस्सा हमारा मुल्क का चला गया, लोगों को जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जाना गया, और आज वही जमात जो कि पिछले दहाइयों में, कितनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन, नाअहली और एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीक़ाकार रहा है। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, ज्यूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के, जिसमें कि इंतखाबी निशान, जिसमें कि हमारे कैंडिडेट्स को उठाना, हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स वो तक नहीं जमा कराने दिए गए। और उसके बाद नताइज जिस तरह से हुए वो आपको पता है। और अभी जिस तरह से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज किया जा रहा है, जिसके लिए फिर ख़ास एक कानून साजी हुई, ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तो ओढ़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। जो हरकतें इन्होंने की हैं वो तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। ये इस मुल्क में एक 17 सीटों पे मबनी हुकूमत है जिसको कि आवाम की पजीराई हासिल नहीं, और जिसको आवाम की पजीराई हासिल ना हो वो न कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है, न वो कोई बड़े फैसले कर सकती है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या और कितने अहम चीज़ें हैं जिसमें पावर सेक्टर भी शामिल है। ये इनकी ये सोच कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सिर्फ उन फैसलों को मानेंगे जो कि इनकी मर्ज़ी के हों, ये हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी रहे हैं। इनको इमरान खान जैसा लीडर कभी मिला नहीं था, इनको वो लीडर नहीं मिला था जो कि पाकिस्तान के अवाम की बात करे, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की बात करे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल की बात करे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करे। हमारी सियासी जद्दोजहद यही है। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासी जद्दोजहद में बिलीव करते हैं। ये दूसरी जमातें ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकीं। और ये जो आपने इनके जो ये पिछले दिनों के जो फैसले आपने देखे हैं उसमें यही ज़ाहिर होता है कि ये सियासी तौर पे शिकस्त खुर्दा हैं और शिकस्त इन्होंने मान ली है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था, ये एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। वो जो एक शेर है ना, तू यहीं हार गया मेरे बुजदिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर उतरा। इमरान खान अकेला खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। वो अगर जेल में है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल में है। वो अपने अगर चाहता तो इनकी तरह ये भी डील कर सकता था। मुल्क से बाहर इमरान खान से ज़्यादा कोई नहीं जानता किसी भी पाकिस्तानी को, लेकिन उसका जीना मरना उसका सब कुछ यहीं पे है। और वो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल की जंग लड़ रहा है। हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे केसेस माफ़ कर दिए जाएं। हम कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। और जिस तरह जितने भी केसेस थे वो एक एक करके गिरते गए, तो अब आखिरी पत्ता जो कि और कुछ नहीं है जैसे कि कोई विकटें उड़ा के और भाग जाए, विकटें उतार के। ये इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत एक संजीदा मसला है जो कि ये तारर जो है, पता नहीं इसका पूरा नाम क्या है, ये इसके क्या नाम है, हाँ, अताउल्ला तारर, ये जो कि बड़ी बातें इन्होंने की वो जेब नहीं देती हैं। इनकी जो वो है, इतनी बड़ी बातें ये नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत बहाल हो, मईशत उस वक्त तक नहीं बहाल होगी जब तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। आप जो स्टेप्स ले रहे हो, आप जो इकदाम कर रहे हो, वो सियासी अदम इस्तेहकाम को ज़रब देगी। मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की हुकूक की रखवाली करेगी। और इस सिलसिले में जिस तरह के भोंडे तरीके से हमें बैनुल अक़वामी दुनिया में इद्दत केस जैसे कि आप ले लें, जिस तरह से कल बुशरा बीबी को ट्रीट किया गया, एक खातून, एक एक्स खातून अव्वल, जिस तरह से बदतमीज़ी की गई, इन चीज़ों से आपका कद मज़ीद छोटा होता है। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियां नहीं समझ सकते। आपने जो करना है वो आपको पाकिस्तान के अवाम जब तक इजाज़त नहीं देंगे आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करती है और हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जैसे हालात में नहीं आती। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं बैरून ममालिक में, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जितने भी लायक बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब जो है तो बाहर जा रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें इसको दुरुस्त करना होगा, हमें इस मुल्क की रखवाली करनी होगी। हमें इस मुल्क के अवाम ने मैंडेट दिया है और हम उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपनी सियासी जद्दोजहद के ज़रिए, जिसका के बुनियादी नुक्ता है आइन और कानून की हुक्मरानी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जहाँ तक पहले सवाल का आपका ताल्लुक है तो उस पर तो हम आपको कोरी बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बिल्कुल तैयार है और हम यही कह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ये समझती है कि ये अदलिया पे वार किया गया है और ये अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इसके वोटर सपोर्टर सारे इंशाल्लाह अदलिया के साथ खड़े होंगे। डान लीक्स वाले ये हैं, पानामा वाला ये है, सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करने वाले ये हैं और ये वही लीडर है जिसका पाकिस्तान मुखालिफ बयान किसी बैन-उल-अक़वामी अदालत में इस्तेमाल हुआ है। ये वही है, बैन लगना है तो इन पे लग जाए। इनको कहो जिस वक्त ये कहा करता था मुझे क्यों निकाला, उनकी स्टेटमेंटें निकाले, 2 स्टेटमेंट इनफ है। आज भी नवाज शरीफ एक्विटेड नहीं है, उनकी अपीलें विड्रॉ हो गई थी तो इन पे बैन लगने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पूरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये मैंने आपको कहा कि 3 करोड़ आवाम की इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है, 3 करोड़ पाकिस्तानियों की, मोर देन 70% लोग इस वक्त उसके साथ अटैच है, उसका 100। जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, ये रिव्यू एक आइनी रास्ता है, ये उनका राइट है, आइन के मुताबिक वो एक्सरसाइज करना चाहे तो ज़रूर, लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरीके से इनकी रिव्यू होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है इंशाल्लाह ताला रिव्यू में इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये ऑर्डर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। और जो आप रिज़र्व सीटों की बात कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 41 MNAs थे, एज वी स्पीक राइट नाउ हमारे सारे MNAs के फॉर्म जमा हो गए, सब के सिवाय 3 के जो हमारे पास आ रहे हैं, बाकी जमा हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आपने बात की ना कि रिव्यू माहिर कानून बैरिस्टर गौहर साहब हैं, पर बैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कह सकता हूँ कि रिव्यू के लिए इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बात खत्म हो गई, खत्म। अच्छा, एक सेकंड, एक और ज़रूरी बात, हमारे 2 कौमों का नज़रिया था जिसपे 1947 में पाकिस्तान बना, 14 अगस्त को। इसी हुकूमत ने परसों के दिन सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मुझे और हमारे साथियों को अड्याला जेल चौकी में, जो आप साथी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चौकी है, जेल के अंदर नहीं है, बाहर है, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मुसलमान किसी और मुसलमान के ऊपर के सामने दरवाज़ा मस्जिद का नहीं बंद कर सकता। और वहाँ पे जो आपका SHO था, उसका नाम अवैस है, उसने कहा आप जो मर्जी कर लें, हमें ऑर्डर्स हैं। ये हाल है यहाँ पे, गैर मुस्लिम ममालिक में भी ये नहीं होता, जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, जहाँ पे मरियम नवाज फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पे शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वजीर आज़म है। ये हालात हैं मुल्क में कि नमाजियों को मस्जिद के दरवाजे उन पर बंद किए जा रहे हैं। जबकि शाह खाकान अब्बासी बतौर जमात उनका आ गया, एएनपी का आ गया, तो जमातें आपके साथ खड़ी हैं इस मौके पे, उनके लिए क्या है और क्या पीपल्स पार्टी को दायरा जिम्मेदार समझते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि ANP ने स्टेटमेंट दिया, हम उसको खुशायंद समझते हैं और हम बाकी पार्टी से तवक्को करते हैं कि वो भी जमहूरी सोच रखते हुए ये आगे बढ़ेगी और माजी से सबक सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन एनीवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना आप करेगी, बताएं एक मिनट इस तरफ से एक क्वेश्चन ले ले और अब जी आप देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐलान कर चुकी है, खान साहब के विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो बिलीव नहीं करते कि पावर शेयरिंग हो, पर वो बिलीव करते पब्लिक पॉलिटिक्स पे। और पब्लिक पॉलिटिक्स में ये कि इस वक्त ईवान में जितनी पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर के हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते, हम तो कह रहे हैं जी फर्दर आगे जाए उसके लिए। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये दुरुस्त नहीं है जो आपने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ किसी और सियासी जमात से मज़ाकरात नहीं करना चाहती। हमारा जो अलाइंस है वो इस बात की खमाजी करता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है और हम बिलीव करते हैं, हमने सिर्फ वो जमातें, वो सियासी जमातें जो कि इस मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार हैं, उनके साथ हमने नहीं मज़ाकरात करने, बाकी हमने सारी सियासी जमातों सबके साथ करेंगे। अच्छा एक मिनट, जी बिल्कुल अयूब खान साहब तारीख का चिरानी साहब मैं समझ गया आपकी बात, आपका आपने किया। अयूब खान साहब मेरे दादा होने के साथ साथ सदर पाकिस्तान भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, जंग अजीमें भी लड़ी और तारीख का हिस्सा हैं। कोई लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई उनकी तारीफ़ करते हैं, फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, उसमें कोई दो आरा नहीं है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि वो पार्टी जो एक्चुअली पाकिस्तान की सालमियत के मुखालिफ हो उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और वो लोग नहीं होते जिनके पास 70% जो है ना आवाम की पॉपुलैरिटी होती है। ये कहाँ तक चोरे चुपे पड़ते रहेंगे? ये आवाम को तवज्जो हटाने की एक और जो है ना एक कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला ये इसमें भी बेनकाब हो। चेयरमैन साहब एक तो गुजारिश की है कि एक तरफ बिजलियाँ गिराई जा रही है बिलों की सूरत में, दूसरी तरफ ऐसे फैसले आ रहे हैं। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि अभी शिबली साहब ने ये कहा कि छोटा मुँह बड़ी बात, क्या आप समझते हैं कि हुकूमती अलाइंस में उनके अंदर इतनी जरूरत है कि वो ये फैसला कर सकें जो उन्होंने फैसले किए? और सेकेंडली कुछ लोग फैजाबाद में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो जहाँ तक पाबंदी लगाने का ताल्लुक है वो तो सुप्रीम कोर्ट करती है, और हुकूमत जो फैसला लेती हैं हम उसके लिए रेडी है, और इनकी बड़ी कोशिश थी। ये तो कोशिश यही कर रहे थे कि इमरान खान साहब का नाम ना रहे, लेकिन अल्लाह ने वो नाम चाहा और वो रहा है। तो पाकिस्तान ने उनको 8 फरवरी को वो रिज़ल्ट दे दिया कि जो लोग कहते थे काटा लगाएंगे वो सारा कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम भी रेडी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कि इंशाल्लाह ताला अगर ये पाबंदी लगाएंगे ये किसी सूरत नहीं लग सकती, न इसके ग्राउंड है। जहाँ तक धरना है तो वो धरना उनका राइट है, वो कह रहे हैं कि हम धरना लिए बैठे हैं फ़लस्तीन के लिए। एनीवे जी ये आखिरी सवाल होगा जी। देखिए सही शाह खाकान अब्बासी साहब ने सही कहा, यही आर्टिकल 17 कहता है, यही इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 212 है उसके मुताबिक भी यही है। हुकूमत फैसला लेती है, हुकूमत ग्राउंड देती है और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। यहाँ पे शिबली फराज़ साहब उस मीटिंग में मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, और उन्होंने स्पेसिफिकली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि शाह खाकान अब्बासी साहब और इनकी पार्टी को हम लोग वेलकम इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके दो ख़ानदानों की पार्टी उससे निकल के एक नई पार्टी आई है और नई पार्टी डेमोक्रेसी में आनी चाहिए, हम लोग वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके